نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس لائق عزت تكريم سامعين مكرم اللہ عز وجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہے وہی ہستی قادر مطلق ہے اسی کے فیصلے ہی کائنات میں نافذ ہوتے ہیں وہ فعال لما یرید ہے پوری کائنات کا تصرف اسی کے ہاتھ میں ہے اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے جس طرح سابقہ امتوں کے لیے 124,000 پیغمبروں کو مبعوث فرمایا ہمارے لیے ہادی و مرشد اس ہستی کو بنا کے بھیجا جو تمام انبیاء کے سرتاج ہیں اور پوری کائنات سے اعلی ارفع اور اسما ہستی ہے اللہ عز و جلال نے جہاں بھی اپنی اطاعت کی بات قرآن مجید میں کی ہے وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کا بھی تذکرہ کیا
बल्कि अल्लाह अज़्ज़ल जलाल ने ये फैसला सुनाया है, मन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने मेरे महबूब की इताअत की उसने हकीकत में अल्लाह की इताअत की। तो जिस शख्स से अल्लाह अज़्ज़ल जलाल राजी हो जाए उसके दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत पैदा करते हैं, अपने महबूब की मोहब्बत पैदा करते हैं और फिर अपने महबूब के महबूब साथियों की मोहब्बत पैदा करते हैं। इससे बड़ा कोई एहसान नहीं अल्लाह ताला का कि वो किसी को राह हिदायत नसीब फरमा दे। सच कहा करते थे वो दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि नेमत खाना पीना अगर वाफिर मिल गया है तो बड़ी इसके पास नेमतें हैं, तो समझ ले ऐसी सोच रखने वाला इंसान ये हलाकत के बिल्कुल करीब जा चुका है। असल नेमत ये है कि इंसान को अल्लाह अज़्ज़ल जलाल अपनी मारिफत अता कर दे, जिंदगी के मकासिद का इदराक उसे हो जाए, उसे ये समझ आए कि मैंने जिंदगी के जावियों को दुरुस्त करना है तो मेरे लिए आइडियल हस्तियां कौन सी हैं, वो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जिनको मेयारे हिदायत बना दिया गया। فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا, उन जैसा अगर कोई ईमान लाएगा तो उसका ईमान तो अल्लाह के हम पसंदीदा होगा, हिदायत याफ्ता है ही वो जो उन नकूश पे अपने ईमान को बिल्ड करता है जिन नकूश को अल्लाह जुल्जलाल ने अपने महबूब के साथियों को अता कर। अल्लाह जलाल ने जहां भी अपनी इताअत की बात की, रसूल की इताअत की बात की, लेकिन जहां फैसले की बात आई है वक़ा रब्बुका अल्ला तअबुदु इल्ला इय्याह, फैसला ये है इबादत के लायक अगर कोई हस्ती है तो एक अल्लाह की जात है, एक अल्लाह की हस्ती है। क़याम हो, रुकू और सजदा और दुआओं पुकार और इनाबत और रुजू हो, खौफ और उम्मीद हो, तवक्कुल हो, कुर्बानी हो, हर किस्म की इबादत के लायक है तो सिर्फ अल्लाह की जात। और साथ क्या फरमाए, वबिलवालिदैन इहसाना, जहां ये फैसला है कि इबादत सिर्फ एक अल्लाह की जाएगी, अल्लाह ताला ने उसी आयत में यह हुक्म दिया है कि वालिदैन के साथ एहसान करो। कैसा एहसान, दोनों बूढ़े हो जाएं या दोनों में से एक बूढ़ा हो जाए, दोनों आपकी जिंदगी में मौजूद हैं या में से एक अल्लाह के पास चला गया और एक आपके पास नेमत मौजूद है, उनकी कदर करो। والنعمه اذا فقدت عرفت, नेमत जब हाथ से छिन जाती है तो एहसास उस वक्त होता है। अगर आपकी जिंदगी में बुढ़ापे में चले जाएं फला तकुल लहुमा उफ, अरबी जुबान में जजर और तौबीख, डांट पिलाने के जो अल्फाज हैं, किसी ने कितने बयान किए, किसी ने कितने बयान किए, सबसे हल्का लफ्ज जो है थोड़ा सा गौर कीजिएगा, उफ सिर्फ होंठ मिले। नेकी और एहसान ये है कि वालिदैन के सामने उफ ये भी ना बोलो, वला तन्हरहुमा, डांटना तो बहुत दूर की बात, वकुल लहुमा कौलन
करीम है। बात वो करो जिससे उनकी इज्जत भी बने, अच्छी बात हो, नेकी भी लिखी जाए और आप उनके फर्मा बरदार और इताअत गुजार भी बनो और उसके साथ उनकी इज्जत में कोई फर्क ना आए और आपकी इज्जत में भी कोई फर्क ना आए कि ये शख्स तरबियत याफ्ता है। और अगर ऐसी बात करोगे तो ये सारी इज्जतें खाक में भी मिल सकती है। वाखफिज़ लहुमा जनाहा ज़ुल्लि मिनर रहमा। कभी आपने देखा होगा परिंदा जब जमीन की तरफ आने लगता है तो किस तरह अपने परों को फैलाता है, अपने बाजुओं को उनके सामने झुका दो। وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا। अल्लाह जिस तरह मेरे बचपन में इन्होंने किस कदर मेरी तरबियत में रहम दिली का सबूत दिया, मेरे मालिक मैं दुआ गो हूं तो इन पे अपनी रहमत की बरखा बरसा दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसलिए सहाबी को दो बातें समझाई थी जो आज के खुतबे की हमारी बुनियाद हैं। एक शख्स ने आके सवाल किया, मन अहक कायनात में रुए जमीन पर बसने वाले जितने इंसान हैं कौन है जिसके साथ में सबसे ज्यादा अच्छा बर्ताव करूं। काल उम्मक तुम्हारी वालिदा गिरामी। तीन मरतबा पूछा और यही जवाब मिला और चौथी मरतबा फरमाया अपने वालिद के साथ अच्छा बर्ताव। क्यों मां और बाप का तस्करा किया, नहीं किसी दोस्त का, नहीं बीवी का पहले तस्करा आया, नहीं औलाद का तस्करा आया, नहीं पार्टनर का तस्करा आया, नहीं अपने खास मकासद किस लिए ताल्लुक उस्तवार करने वालों का तस्करा आया, जहां बयान हुआ है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत रवैया अगर आपने रखना है वालिदैन के साथ। और दूसरी बात क्या समझाई, अलवालिद औसत अबवाबिल जन्नत। कभी आपने देखा होगा और जरूर देखा होगा किसी भी फैक्ट्री में जाते हैं कि जो मेन गेट होता है वो सबसे बड़ा होता है, इसलिए उसको मेन गेट कहते हैं। इसमें जब तक दाखिला ना हो अगले दीगर गेट्स की तरफ आप हाँ पहुंच नहीं सकते। वालिद जन्नत का दरमियाना दरवाजा है और सबसे बड़ा दरवाजा है। चाहो तो इसकी हिफाजत कर लो, चाहो तो इसे जाया कर दो। नो डाउट अल्लाह ने जन्नत माँ के कदमों तले रखी है, लेकिन इस जन्नत का दरवाजा बाप को बनाया है। कहीं धोखे में ना पड़ जाना कि बस माँ की ही खिदमत करनी है, बाप की जरूरी नहीं। जिस जन्नत के मुतलाशी हो उसका दरवाजा अगर तोड़ बैठोगे तो जन्नत में कैसे जाओगे। आज एक सुलगता हुआ उन्वान, वालिदैन की नाफरमानी जिसने मुआशरे के हर घर को नढाल कर दिया, परेशान कर दिया और सफेद बालों वालों को रोने पे मजबूर कर दिया। आज मुआशरे का सबसे बड़ा फिनोमिना ये बन गया, न किसी को अपनी डिग्री का ख्याल, न किसी को इल्मो दानिश का ख्याल, न किसी को अपने उन नेक जज्बात का ख्याल। वो अपने ताई तो बहुत बड़ा बना फिरता है, लेकिन वालिदैन इस कदर परेशान हैं कि आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि कितने घर बर्बाद हो गए, कितने वालिदैन रो रो के मट्टी में चले गए और मामला सुलझने का नाम नहीं लिया।
आइए इस फरमान को समझिए, वालिदैन की नाफरमानी है क्या, क्या क्या अलामात हैं जो मुझे और आपको इल्म भी नहीं होता, वो शरीयत में नाफरमानी लिखी जाती है। क्यों वालिदैन की नाफरमानी होती है? अगर कोई नाफरमानी कर गुजरता है तो उसे दुनिया और आखिरत में क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और अगर कोई ये गुनाह कर बैठा है और उसे अल्लाह ने ऐसी पाकीजा सोच दे दी है कि वापस पलटना चाहता हूं, अल्लाह का प्यारा बनना चाहता हूं, तो उसके लिए वे आउट क्या है, उसके लिए रास्ता कौन सा है? यही चार निकात आज हम अपनी गुफ्तगू का महवर बनाएंगे। और किसको कहते हैं? इसका मतलब है नाफरमानी। अल-अक़ से है वालिदैन की नाफरमानी करना, मुखालिफत करना, सरकशी करना, उनसे कता ताल्लुक करना और उनके साथ अच्छा बिहेवियर इस्तेमाल न करना। इमाम इब्ने हजर रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, सुदूर मा यतअज़्ज़ा बिहिल वालिद मिन वलदिही मिन कौलिन औ फ़िअलिन, औलाद से हर वो कौल और फ़िअल सादिर हो जिससे वालिदैन को दुख पहुंचे, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा अमल जिससे वालिदैन दुखी हो जाए, यही औलाद नाफरमान है। मुखालफतुल वालिदैन, इमाम इब्न जौज़ी रहिमहुल्लाह फरमाते हैं, फीमा यामुरान बिह वालिदैन मिन अम्र मुबाह, कोई जायज काम कह देते हैं तो उनके कहे की मुखालिफत करना नाफरमानी है। वसूल अदर फिल कौल वल अमल, बात में भी अदबी ले आना, किसी काम में भी अदबी ले आना वालिदैन के साथ नाफरमान औलाद है। मोहम्मद बिन मुहैरिस कहते हैं, मन मशा अमाम वालिदिही फकद अक्का, अदब यह है रास्ते में बाप के आगे नहीं चलते, जो बाप के आगे चलता है वो नाफरमानी करता। हाँ, अगर कोई तकलीफ वाली चीज है तो उसको हटाने के लिए जल्दी से आगे बढ़े और रास्ता साफ करे। मुजाहिद इब्न जबर जो सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के अरशद तलामिज़ा में से हैं, जिन्होंने कुरान मजीद एक एक आयत करके तीन मरतबा तफसीर के साथ पढ़ा और सबसे ऑथेंटिक तफसीर हम तक पहुंची है, तो वो इसी तरह की तफसीर, वो कहा करते थे, मन शद्द तरफ इला वालिदाई औ अदखल अलैहिमा हुज़नन फ़क़द अक़्क़हुमा, जिसने माँ बाप को घूर के देखा या उनको गमगीन कर दिया, ये नाफरमान है। अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सवाल किए गए, हुकूक क्या है, नाफरमानी क्या है? उन्होंने कहा, सुनो, इदा अक्सम अलै लम यबर, वालिद अगर कसम डाल दे तो वो कसम पूरी ना करे, नाफरमान। वइदा सअल लम युती, मां बाप कोई चीज मांगे
औलाद ना दे ना फरमान। وإذا تمنه خان कोई अमानत दे दें वालिदैन औलाद उसमें खयानत करे ना फरमान। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं तहजुरहुमा व तुहरिमहुमा, अगर उनको मिलना छोड़ दो कि मेरे भी बच्चे हैं, मैंने भी अपनी फ्यूचर प्लानिंग्स करनी है, आपका उनको मिलना छोड़ देना इस बात पे गम्माजी करता है कि आप नाफरमान हैं। खान के पास माल है भी और आप उन पे खर्च नहीं करते, क्योंकि उनका माल उनके लिए आपकी नेकी कि आप भी खर्च करें, मुझे अल्लाह का तकर्रुब चाहिए। अगर आप इस बारे में सोचते नहीं हैं नाफरमानी है। अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन फरमाया करते थे इबका होगा, औलाद के किसी अमल से अगर वालिदैन को रोना आ जाता है तो ये औलाद नाफरमान है। वालिदैन की नाफरमानी सबहुमा बितरीक मुबाशिर औ गैर मुबाशिर, खुद गाली दो या किसी से दिलवाओ, दोनों तरीके अगर कोई इख्तियार करता है तो नाफरमान। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अकबर अल-कबाइर, कबीरा गुनाहों में से गुनाह यह भी है शिर्क करना। और दूसरी रिवायत में फरमाया मिन अल-कबाइर शत्मु अर-रजुल वालिदैह, कबीरा गुनाह यह भी है कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे। तो सहाबा ने ताज्जुब किया वहल यश्तिमु अर-रजुल वालिदैह, अल्लाह के रसूल ऐसा भी हो सकता है कि कोई अपने वालिदैन को गाली दे, ये इस दौर की बात। फरमाया यसुब्बु अबर-रजुल फयसुब्बु अबाहु, अगर इंसान किसी के बाप को गाली देता है वो जवाब में इसके बाप को गाली देता है तो सबब तो यही बनाना यसुब्बु उम्मुहु फयसुब्बु उम्मुहु, ये किसी की वालिदा मुहतरमा को गाली देता है उसके जवाब में इसकी वालिदा मुहतरमा को गाली मिलती है, ये सबब बना है गाली का ना फरमान है। العبوس في وجهيهما, वालिदैन को देखकर मुंह बिगाड़ लेना, मुंह बिगड़ जाए, खुशी का इजहार ना हो, नाफरमान है। الغياب الطويل, वालिदैन को मुद्दत मदीद से गायब रहना, नजर ही ना आना, नाफरमान है। काश ये सोचें जो आज इस फितने में पड़ गए तो हमारे भी बच्चे हैं, अपने बच्चों से वो दूर रह सकते हैं। कभी याद रहना चाहिए आप भी किसी के बच्चे हैं। जिस तरह आपकी आंखें ठंडी होती हैं औलाद को देख के, उनकी भी तड़प और तमन्ना होती है कि हमें बेटा नजर आ जाए, हमें बेटी नजर आ जाए। और सच कहा जिसने कहा कि वालिदैन की मोहब्बत इस जैसी मोहब्बत तो अल्लाह ने दुनिया में भेजी कोई नहीं। जब भी कोई शख्स आता है बच्चों की नजर हमेशा हाथ की तरफ होती है कि बाप लेके क्या आया है, और बीवी की नजर जेब की तरफ होती है कुछ कमाया भी है कि नहीं। वालिदैन की नजर सिर्फ चेहरे पे होती है बेटा खुश है कि नहीं, उनको और कुछ नहीं चाहिए। ضحكاتك وابتساماتك يكفيهما, तुम्हारी चंद मुस्कुराहटे उनकी जिंदगी की जमा पूंजी होती है, वो इससे बड़ी ख्वाहिश और तमन्ना रखते हैं। लानहुमा, जो शख्स अपने मां अपनी मां और बाप को लानत भेजता है
वो मलऊन तो है ही है, नाफरमान भी है। मलऊन मन सद्दा अगा, लानत है अल्लाह की उस पर जो अपने बाप पे लानत करता है। मलऊन मन सद्दा उम्मा, लानत उस पर भी है जो अपनी मां पे लानत करता है। मलऊन मन अक्का वालिदैन, लानत उस पे भी है जो वालिदैन की नाफरमानी करता है। नाफरमानी ये भी है, आदम इजाबती सुआलिहिमा, वालिदैन कुछ पूछ रहे हैं और आप खामोश है, कोई जवाब देने नहीं जा रहे, ये तौहीन अमेज रवैया भी नाफरमानी है। आदम सिलती करबतिहिमा व असहाबिहिमा, जिसको ये ख्याल नहीं ये मेरे बाप का रिश्तेदार है, ये मेरी माँ का रिश्तेदार है, उनके साथ सिला रहमी नहीं करता, ये भी अपने माँ बाप का नाफरमान है। जिसको ये ख्याल नहीं ये मेरे बाप का दोस्त है, रिश्तेदार नहीं है, मैंने इसका भी एहतराम करना है, मैंने इसको भी इज्जत और तकरीम की निगाह से देखना है, उसकी अपने बाप से ये नाफरमानी है, उसको ख्याल नहीं उसके हकूक क्या है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने उमर जा रहे थे, गधे पे सवार थे, जल्दी से उतरे, एक शख्स से मुसाफा किया, मुआनखा किया, पगड़ी उतारी, उसके सर पे रखी, गधे की मुहार उसके हाथ में दी और चल दिए। कहने वाला कहता है ये कौन है, वह इन्नहु लयर्ज़ा बियसीर, तो को देहाती लगता था और देहाती तो बहुत थोड़ी चीज पे भी राजी हो जाते हैं। कहते जानते हो ये कौन है, ये मेरे बाप उमर के दोस्त का बेटा है, मैंने अपने बाप को नेकी देने के लिए काम किया है। सबसे बड़ी नाफरमानी ये है, जिंदा है ये दुनिया से जा चुके, कभी जुबान दुआ के लिए हरकत नहीं करती, इससे बड़ा नाफरमान कौन है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इसलिए कहा था, जब किसी ने पूछा कि वालिदैन की नाफरमानी क्या है, कहते हैं बस मैं एक बात ये बताता हूँ, इज़ा वक़फ़ अल-वलदु बिजानिबि वालिदी, जब बेटा अपने बाप के साथ खड़ा हो, फनफ़ज़ सौबा, अपने कपड़े को झाड़ता है, فطار الغبار عليه كتب عند الله عاقا, अगर कोई गर्द उड़ के बाप पे पड़ गई तो ये बेटा अल्लाह के यहाँ नाफरमान लिखा जाए। आज गर्द पड़ने की बात कौन याद करता है, आज तो ऐसे ऐसे वाकयात सुनने देखने को मिले कि जिंदा दिल जो है वो देख नहीं सकता कि वालिद और वालिदा को गालियां बेटा दे रहा है और धक्के दे रहा है और मार रहा है। इसलिए शरीयत का कायदा देखिए, ला युकादुल वालिदु बिवलदी, बाप बेटे को अगर मार दे तो उसके कसास नहीं लिया जाता, क्योंकि वालिदैन औलादों को नहीं मारते, ये हवस औलादों में होती है कि बाप मरेगा तो विरासत मिलेगी, वालिदैन को ये नहीं होता, उनके लिए तो सबसे बड़ी राहत ये होती है हमारी औलाद को कुछ ना हो। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह से जलाल जिनके वालिदैन जिंदा हैं उनको सेहत और खुशी और ईमान और इज्जत और बरकत के साथ लंबी जिंदगी अता फरमाए, और जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके अल्लाह से जलाल करोड़ हा रहमतों की बरखा बरसा। ये नाफरमानी होती क्यों है, इसका सबसे पहला सबब, औलाद को जब जाहिल रखेंगे, औलाद को इल्म नहीं देंगे तो उनको नाफरमानी की सजा का पता नहीं होगा, बेबरकती का पता नहीं होगा, तो वो नाफरमानी करने में जुर्रत करेंगे, उनको परवाह नहीं होगी।
जहालत ये बुनियादी सबब। इसका दूसरा सबब यह है तरबियत बुरी हो। कैसी तरबियत बुरी? कभी अल्लाह का खौफ दिलाया ही नहीं है, इलम सिखाया ही नहीं है। सलफ सालेहीन के पास एक शख्स आता है, कहता है मेरे बेटे ने मुझे मारा है। लफ्जों पे गौर कीजिएगा, कहा आपको आपके बेटे ने मारा है? अच्छा, तीन सवालों का जवाब तो दो। हल अल्लमतहुल कुरान, तुमने उसे कुरान सिखाया? काला ला, नहीं। हल अल्लमतहुस सुन्ना, तूने उसे अल्लाह के रसूल के फरामीन सिखाए? काला ला, नहीं। قال هل علمته اخلاق الصالحين, صالحين और सहाबा नेक लोगों के अखलाक उसे सिखाए? قال لا, नहीं। قال فحسبك ثور فضربك, तो फिर परेशान क्यों हो? इस सांड की टक्करें खाने के लिए फिर तैयार रहो। ये बैल है, ऐसा बैल जिसकी तहजीब नहीं की गई वो तो ऐसा ही करे। बुरी तरबियत, इलम ना सिखाना, ये सबब है वालिदैन की नाफरमानी का। तीसरी बात, औलाद के बारे में कभी भी दुआ ना करना बल्कि बददुआ करना। इसकी दो जहतें हैं। उलमाए उम्मत ने हदीस की शरह में लिखा है, जो लोग अपनी अहलिया के पास जाके दुआ नहीं पढ़ते, जहां लफ्ज आए हैं लम यदुरहु शैतानन, दुआ पढ़ने से शैतान जो है उसे तकलीफ नहीं देता। अगर वो दुआ नहीं पढ़ता तो सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि शैतानियत उसमें आएगी, कल को वो वालिदैन के लिए वबाल और मुसीबत बन जाए। और दूसरा ये है कि उसके जिस्म के आज़ा में से एक उज़्व नाक़िस हो सकता है। तीसरा ये है कि था तो ये बेटा, ये उसके गम का सबब भी बनेगा, बुज़दली का सबब भी बनेगा, बखीली का सबब भी बनेगा। इन्नल वलद मबखलतुन महज़नतुन मजबनतुन, कितने वालिदैन बहादुर होते हैं, औलाद उन्हें बुज़दिल बना देती है ऐसी कारस्तानियों की वजह से। कितने लोग हर वक्त हशाश बशाश होते हैं औलाद की वजह से, हर वक्त गम के दबीस पर्दों के नीचे चले जाते हैं। और कितने लोग सखी होते हैं औलाद की वजह से बखील हो जाते हैं। इसलिए हर मुसलमान को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को याद रखना चाहिए कि जब भी को अपने घर वालों के पास जाए, इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक को बयान करने से हया नहीं करते, उसे अल्लाह के रसूल की सिखाई हुई दुआ को भूलना नहीं चाहिए। और हुक्म तो ये है कि दुआ तुम शादी से पहले भी करो, शादी के बाद भी करो। अब्दुल्लाह इब्न अल मुबारक के पास एक शख्स आया, कहता है कि 6 महीने का बच्चा हो गया, बताइए तरबियत कैसे करूं? कहा तुम लेट हो गए हो, दुआएं तो शादी से पहले करते हैं। अल्लाह मेरी नस्ल शुरू होगी, अल्लाह किसी नेक माँ से नस्ल शुरू करवाना। अल्लाह जो औलाद दे नेक और साले औलाद दे। सलफ सालेहीन की माएँ दूध पिलाती, बावजू होकर जिक्र इलाही करती, कुरान पढ़ती, दुआएं करती। क्या कहती? अल्लाहुम्मा जअलहु क़ाइदन लिल उम्मतिल इस्लामिया, ऐ अल्लाह इसको उम्मत का लीडर बना। अल्लाहुम्मा जअलहु फ़क़ीहन, अल्लाह इसको दीन का बेहतरीन गहरी समझ रखने वाला बना। अल्लाहुम्मा जअलहु कारियन, इसको कुरान का कारी बना। आज दूध इसलिए माएं पिलाती हैं, जान छोड़े ये सो जाए, मैं इनको अपने काम कर लूं।
तो फिर औलादें भी ऐसा दूध पी के सोई रहती है। वालिदैन दुआ करते थे, अल्लाह इसको हमारे लिए सदका जारिया बना, उम्मत का सरमाया बना। आज ज्यादा से ज्यादा दुआ होती है, या अल्लाह चांद जैसा बच्चा देना, तो अल्लाह दुआ कबूल कर लेता है। चांद रात को निकलता है, दिन को गायब होता है, ये औलादे रात जागती रहती है, दिन को सोई रहती है। दुआ कीजिए। सईदना उमर के पास भी आया एक आने वाला कि मेरा बेटा बदतमीजी करता है, बुलाओ इसे। हां भाई क्या मसला है? कहा मेरे बाप ने मेरे तीन हक अदा नहीं किए। आपके हकूक अदा नहीं किए? वो कैसे? कहते मेरा हक था कि मेरी माँ नेक होती, ये अच्छी औरत से निकाह करता, इसने रक्कासा के साथ रक्स करने वाली से निकाह किया, मेरा हक नहीं दिया। मेरा हक ये था कि मेरा नाम अच्छा रखता, वो सन्नानी जुअला, मेरा नाम इसने जुअल रखा है। जुअल उस कीड़े मकौड़े को कहते हैं जो निजासत और गिलाजत में पलता है। मेरा हक किसने अदा नहीं किया? मेरा हक ये था मुझे कुरान पढ़ाता, मुझे दीन की समझ आती, इससे पूछो आज तक मुझे इसने कुरान पढ़ाया? और आज यही बात है, हमें इससे कोई गरज नहीं होती। बेटे भी मदहोश, वालिदैन उससे ज्यादा नशे में धुत, उनको नजर आना चाहिए कि माल कहां से मिलेगा। तो वहां अपने बेटे और बेटी की शादी करते हैं, उनके सामने शरीयत के मैयर्स की कोई भी वेटेज नहीं होती। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। ये तो कहते नजर आते हैं लोग, बस ये शादी करने लगे हैं, माशाल्लाह अच्छे खाते पीते हैं, बस नमाज नहीं पढ़ता, दुआ करना हो नमाज पढ़ने लग जाए। तो अगर आप ये कहें कि बंदा तहज्जुद गुजार मिला है, दुआ करें अल्लाह माल दे दे, वो दुआ कबूल नहीं होगी, सिर्फ यही होगी। मेयार है हर शख्स की अपनी नस्ल को आबाद करने का, कौन है अगले 100 साल 200 साल की नस्ल के लिए सिराते मुस्तकीम का जो है वो प्लानिंग करता है, और कौन है जो वक्ती चीजों को देखते अपनी औलाद को इस दुनिया की रंगीनी में झोंक देता है। ये फैसला वालिदैन को करना होता है। आज भी जब नाम रखने की बारी आती है, मिजाज बन गया, नाम वो रखना है जो किसी ने ना रखा हो। हमें तो इस तरह बात कहते भी शर्म आती है, लेकिन बाद लोग समझाने के लिए फिर ऐसी बात कह भी देते हैं, मौलाना को नाम बताएं जो किसी ने ना रखा हो। उसको कहा बेटा आप नाम किसी नबी का रखें, किसी सिहाबी का रखें। नहीं नहीं आपको ऐसा नाम बताएं जो किसी ने ना रखा हो। कहा फिर नहीं बात आ रहे तो फिर इबलीस रख लो, ये किसी ने नहीं रखा हो। ये मिजाज है क्या? मेरे दीन के मैयर्स गूगल और यूट्यूब रह गई, ना मुझे अंबिया के नाम याद रहे, ना सिहाबा और सिहाबियात के नाम पसंद आए। मैं देखूं कि ये नाम जो है नेट पे मुझे मिला है, माने पूछ रहे हैं वैसे इसका क्या माना होगा, ये रखे कि ना रखे। मिजाज मुसलमान का ये है, अंबिया से बड़ी हस्ती अल्लाह ने रवे जमीन पे उतारी नहीं, और सिहाबा से बढ़ के किसी के प्यारे दिल अंबिया के बाद बनाए ही नहीं है। इसलिए नाम उन हस्तियों के रखो। अल्लाह अज़्ज़ुल जलाल तौफीक से नवाज दे। नाफरमान औलादे होती हैं इस वजह से, जब उनके वालिदैन अपने वालिदैन के नाफरमान होते हैं ना, तो उनकी औलादे फिर उनकी नाफरमानी करती हैं। ये कैसे होगा कि बेटा देखता है कि बाप के साथ अच्छा सलूक नहीं करता तो उसके साथ अच्छा सलूक करेगा? ऐसा नहीं होगा। इमाम असमाई जो लुगत के इमाम हैं, अगर लुगत अरब के 4 पिलर्स हों, एक पिलर जो लुगत अरब का है वो इमाम असमाई है। ये 210 का फौत होने वाले कहते हैं आज मैं नियत करके निकलता हूं, मैंने देखना है दुनिया में सबसे ज्यादा वालिदैन का नाफरमान और नाफरमान कौन है। कहते हैं जो ही मैं बाहर निकला देहातों में बस्तियों में, मैंने देखा कि एक शख्स उसके हाथ में डोल है,
सख्त गर्मी है और बेटे के हाथ में छड़ी है, वो पानी अपने उस शख्स से भरवा रहा है और वो बूढ़ा है और उसको मारता है और उसकी कमर पे जख्म बने हुए हैं। मैंने पूछा मा तत्तकिल्लाह फी हादा शेख, तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता, तुम बूढ़े के साथ जुल्म कर रहे हो, ये कौन है? कहा ये मेरा बाप है। कहा तुम्हें अल्लाह के पास नहीं जाना? बाप बोल के कहता है रुक जाओ, मैंने भी अपने बाप के साथ ऐसा ही किया, बदला ले रहा हूं, ये भी अपनी औलाद से ऐसा ही बदला ले। कहा तदीन तो जानू, जैसा तुम अपने वालिदैन के साथ रवैया रखते हो तुम्हारी औलाद भी ऐसा ही रवैया रखेगी। और ऐसा होता है। रियाज का एक किस्सा जो मुझे याद आ रहा है और ये आज के मुआशरे का सुलगता हुआ एक किस्सा है और घर घर की ये शिकायत, कुछ लोग बता देते हैं कुछ बताते नहीं है। माँ फौत हो गई, किस्सा मुख्तसर बाप से मशवरा किया गया। बाप ने कहा मैं बड़े बेटे के साथ रहूंगा। बेटा शादीशुदा है, बड़ों के तजुर्बात होते हैं, बड़ों को अल्लाह ने बरकत दी होती है, समझ दी होती है, जिंदगी की ऊंच नीच का जानते हैं। इसलिए हदीस कहती है अलबरकतु मा काबिरिकुम, बरकत तुम्हारे बड़ों के साथ है। एक दिन वाइफ आके कहती है आपका बाप टोका टाकी लगाता है, फ्रिज का दरवाजा बंद कर दिया करो, उसको क्या मसला है? फ्रिज हमारी, कभी कहता है कि खाली पंखा ना चलना चाहिए, ये जाया होती है बिजली, ये बिल अदा करता है। यहां मौका था कि यहां ही बुराई की जड़ उखाड़ देता। कहता वो मेरा बाप है, उसने ठीक कहा है, दोबारा ऐसी बात ना कहना। ग्रीन सिग्नल दिया, कहता अच्छा बात करूंगा। और ये पहला मौका था जहां उसने स्पेस दे दी, कभी बुराई बढ़ेगी और कुछ ले। वक्त गुजरा, घरवाली आके कहती इल्ला अना इल्ला अबूक, या मुझे रखो या अपने बाप को रखो। घर घर की आज कहानी है। इसलिए नाफरमानी के बारे में एक लफ्ज उलमा ने लिखा है इस्तिस्कालुहुमा और इस्तिस्कालु अम्रिहिमा, जब कोई औलाद अपने वालिदैन को बोझ समझे या उनके कामों को बोझ समझे, ये नाफरमान है। यहां भी मौका था कि अल्लाह हिदायत देता इस बेटे को तो कहता सुनो मैंने पहले आपको कुछ नहीं कहा, दोबारा ऐसे लफ्ज न बोलना, तुम भी रहोगी मेरा बाप भी रहेगा। बाप की अपनी हैसियत है, तुम्हारी अपनी हैसियत। लेकिन नहीं, शैतान उस वक्त तक काम कर चुका था। बाप के पास जाता है, बेटा कहता है भजान आप जानते हैं कि ये बंद से कमरे हैं, जो बाहर है सर्वेंट क्वार्टर, वहां ना डायरेक्ट धूप आती है, ताजा हवा आती है, तो वहां ना मुंतकिल हो जाए, आपकी सेहत के लिए ताजा हवा और ताजा जो है वो रोशनी बहुत जरूरी है। बाप बाप होते हैं, बच्चे नहीं होते। बाप समझ के कहते हैं बेटा ठीक है हम वहां मुंतकिल हो जाते हैं। उन्होंने वक्त गुजारा होता है, बाप वहां चला गया और फिर वही सिलसिला जो आज घर घर की शिकायत, दोस्त यार बेली सज्जन आए तो तरह तरह के खाने और तरह तरह के बर्तन। एक बर्तन खास कर दिया जिसमें खाना वक्त पे और लेट पहुंच जाया करता, वक्त पे कभी लिबास मिल जाता, कभी उसी को ही बुनियान को बदल के बाप पहन लेता। एक वक्त आया, आई कबा ले चली चले, आई मौत और अल्लाह के पास चला। उस वक्त आके चारपाई पे लेट रहा है, मोहब्बत का इजहार कर रहा है लोगों के सामने, सब फ्रॉड धोखा, ताजियत लोगों ने की और ये वक्त आ गया कि अब इसे सबक मिलना था। बेटे को कहते हैं आओ बेटा जरा सफाई कर ले। सफाई कर रहे थे तो जिसपे वो सालन टूटी सी वो कटोरी में दिया करता था,
बेटे ने पकड़ के फजअलहु तहत इबति अपनी बगल में छुपाया, कहते या बुनाई इरमी हदा वसख, इसको फेंक दो, ये तो बुरी है, टूटी हुई है। बेटा कहते ला या बुया, अब्बा जान नहीं, इंदमा कबिरत अहुत लक अकलक, जब आप बूढ़े होंगे ना दादा अबू की तरह तो इसमें मैं आपको खाना दिया करूंगा। मैंने लदी अमतक हो, इस बच्चे को किसने बुलवाया? लेकिन उस वक्त तक सब कुछ हो चुका था जो होना था। नाफरमान इसलिए औलाद होती है जब अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, परवाह ही नहीं है कि मेरा बेटा किसके साथ बैठता है, किसके पास उठता है, किसके पास जाता है, कब घर से निकलता है, कब घर आता है। कहते हैं नहीं, सख्ती नहीं करनी चाहिए, सख्ती बिलाशुबा नहीं करनी चाहिए, सबसे बड़ी नरमी यह है कि तुम जन्नतुल फिरदौस को उसे वारिस बनाओ, ये नरमी। नरमी ये नहीं है कि तुम्हें दुनिया और आखिरत में उसका जिम्मेदार ठहराया जाए और तुम्हारे लिए वबाल जान बन जाए। मेरे इन कानों ने सुना अल्लाह की कसम, आप सोच सकते हैं ऐसे भी दुनिया में वालिदैन हैं जो औलाद से इतने दुखी हैं। बैठ के वो शख्स कह रहा था जिस दिन मेरे बेटे की लाश आएगी मैं उस दिन दो नफल शुक्राने के अदा करूंगा। आप सोच सकते हैं कि किस कदर औलादें वालिदैन को परेशान करती हैं। नाफरमानी का सबब वालिदैन की ना इंसाफी भी हो। बच्चे सब बराबर होते हैं, बच्चे सब बराबर हैं, किसी एक से इम्तियाजी सलूक, दूसरे के साथ वो सलूक नहीं, इससे भी नफूर पैदा होता है, वो वालिदैन की नाफरमानी में लग जाते हैं। इंसाफ करो औलाद से, हत्तल कुबला सलसालहीन कहा करते थे, दो बच्चे हैं इसको अगर चुमकारा है तो छोटा बच्चा देख रहा है उसको भी चुमकारो, बराबर इंसाफ करो कि इसके दिल में नफरत ना हो कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता मेरा बाप, इससे मोहब्बत करता है। सब वो बेना औलाद ही को अपनी औलाद में इंसाफ करो, अदल करो, एदिलु बेना औलाद ही को अपनी औलाद में अदल करो, ये नाफरमान नहीं होंगे। जिस तरह तुम चाहते हो कि दोनों तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हें भी चाहिए अपनी औलाद के दरमियान अदल करो। एक सबब यह भी होता है, बीवी जो है वो ऐसी ना अहल घर में आ गई जिसके बच्चों की तरबियत का पता ही नहीं है, नतीजा क्या निकलता है? जो मां अपनी औलाद के सामने अपने खामिद की बुराई बयान करती है, सारी जिंदगी जो है वो मुश्किलों में गुजारती है, उसी औलाद के हाथों जलील होती है, क्योंकि उसको ये याद ना रहा कि आज मुझे अमन मिला है, मुझे इज्जत मिली है अल्लाह जलाल की रहमत के बाद, और मुझे कोई ऐसी छतरी मिली है तो अल्लाह ने एक खामिद की शक्ल में दी है। इसलिए सलफ कहा करते थे अल-मरअ ला यहफ़ज़ुहा इल्ला अबूहा औ अखूहा औ इब्नुहा औ हिजाबुहा औ कब्रुहा, बाप ही है जो बेटी की हिफाजत कर सकता है, और बाप के बाद भाई बेटा या उसका पर्दा या उसकी कब्र ही हिफाजत कर सकती है, दूसरा कोई उसकी हिफाजत नहीं कर सकता। तो जो मां अपने औलाद के साथ अपने खामिद के बारे में जज्बात का इजहार करती है कि बहुत बुरे हैं, कभी नाफरमानी से अपनी औलाद को नहीं बचा सकती। ऐसे नहीं अल्लाह के रसूल ने कह दिया था अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन ज़ौजा तुशय्यिबुनी क़ब्ल अल-मशीब, अल्लाह मुझे ऐसी औरत से बचा, बीवी से बचा जो बुढ़ापे से पहले मुझे बूढ़ा कर दे, मौलिन वला दिन यकूनु अलैया वबालन, अल्लाह मुझे ऐसी औलाद नहीं चाहिए जो मेरे लिए वबाल बन जाए, वमिन मालिन यकूनु अलैया फितना, अल्लाह ऐसा माल भी नहीं चाहिए मुझे जो मेरे लिए फितना बन जाए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जल जलाल वालिदैन की नाफरमानी से हर एक को महफूज फरमाए और वालिदैन को भी अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दुआना अलहम्दुलिल्लाह।
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد نافرمانی کرنے والا جوانی ہوتی ہے رگوں میں تازہ خون ہوتا ہے اسے پرواہ نہیں ہوتی بس اوقات یہ خون گہرا بھی ہو جائے گاڑا بھی ہو جائے تو پھر بھی شرم و حیا نہیں رہتی پھر بھی وہ والدین کی خدمت کی بجائے انہیں تکلیف دینے میں جرأت کرتا ہے اسے یاد رہنا چاہیے کہ اسے دنیا اور آخرت میں کن کن مصیبتوں کا سامنا کرنا ہے سب سے پہلی بات یہ اللہ ذوالجلال کی حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتا ہے ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات ومن عنوہات وقیل وقال اللہ نے حرام قرار دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی نہ کرو یہ حرمت کو پامال کرنا ہے یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس سب سے بڑا گناہ شرک کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ والدین کی نافرمانی ہے کبیرہ گناہ ہے چوری کبیرہ گناہ ہے زنا کبیرہ گناہ ہے یہاں اس حدیث میں والدین کی نافرمانی کو کبیرہ گناہ کہا ہے جو چوری کرتا ہے ساری اسے برا کہتے ہیں برائی کے کرنے والے سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا اور جو والدین کو دوستوں کے سامنے ذلیل کر رہا ہے دوست ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے چلتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کہا کرتے تھے لا تودن عاقاً جو والدین کا نافرمان ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے یہ اپنے باپ اور ماں کا سگا نہیں تمہارا سگا کبھی نہیں بنے گا اور سلف کہاں کرتے تھے لا تصادق عاقاً کبھی والدین کے نافرمان کو سچا نہ سمجھنا یہ اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتا تم سے بھی فراڈ ہی کرے گا کبھی تم سے سچ نہیں بولے گا تیسرا نقصان رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما جس نے والدین کو راضی کرنا جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے والدین کو راضی کرے جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے اپنے والدین کو ناراض کر لے بات ہی ختم ہو گئی رب کی رضا چاہیے تو والدین کی رضا میں ہے رب کی ناراضگی ہے تو کس نے والدین کی ناراضگی چوتھی بات یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی مخالفت ہے سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے مجھے 10 وصیتیں کی لا تشرک باللہ وان قطعت او حرقت میرے صحابی زندگی میں کبھی شرک نہ کرنا ٹکڑے تیرے جسم کے کر دیے جائیں تجھے آگ میں جلا دیا جائے شرک نہ کرنا وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ والدین کی نافرمانی نہ کرنا وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجْ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ وہ تمہیں کہہ دے نا نکل جاؤ تو نکل جاؤ یہ بھی کہہ دے کہ تم میرے گھر سے نکل جاؤ نافرمانی نہ کرنا وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا جان بوجھ کے نماز فرض نہ چھوڑنا جس نے نماز فرض جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ بھی اس سے بری ہے وَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا شراب کے قریب نہ جانا فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ یہ ہر فحاشی کی جڑ ہے ماں ہے شراب پی کے نہ پتہ چلتا ہے اس کو کہ ماں ہے خالہ ہے بہن ہے بیٹی ہے یہ ہر برائی کی جڑ ہے شراب کے قریب نہ جانا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا فَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةِ برائی کے قریب نہ جانا ایسی برائی جس کا تمہیں پتا ہے ڈھٹائی سے برائی کر یہ برائی تمہیں اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دے گی وَإِيَّاكَ وَالزَّحْفِ
मैदान जिहाद में अगर तुम चले जाओ, बुजदली ना दिखाना। वो इनहला करना, सारे के सारे अगर मर जाएं, शहीद हो जाएं, तुमने मैदान नहीं छोड़ना। वैदा असाब الناس موتا فاصبط, एक छोड़ के दो दो मौतें आ जाए, साबित कदमी दिखाना, बहादुरी दिखाना। मोमिन बहादुर होता है, बुजदिल नहीं होता। وانفق على عيالك من طولك, जो अल्लाह ने माल दिया है ये खुशी से अपने बच्चों पे खर्च करना। ولا ترفع عن عصاك ادبا, कभी अदब में कमी ना करना, कोड़ा लटका के रखो अपने घर में, जहां से नजर आए कि बाप ने ऐसे कर देना अगर कोई बुराई की, ये रुख होना चाहिए। वाखिफहुम फिल्लाह, उनको अल्लाह से डराना, बात बात पे तलाक के लफ्ज से डराना नहीं, डराना है तो अल्लाह से डराओ, डराओ तो अल्लाह से डराओ, ये खौफ आएगा तो इस्लाह होगी। नाफरमान एक पांचवी मुसीबत का सामना करता है। बाबान मुअज्जलान उकूबतुहुमा फिद दुनिया अलबग्य वल उकूक, दो दरवाजों में जो इंसान दाखिल होता है उसकी जल्दी पकड़ हो जाती है। दूसरी हदीस में आता है अल्लाह अक्सर गुनाहों को लेट कर देते हैं कि इसकी सजा क़यामत को होगी, लेकिन तीन गुनाहों की सजा अल्लाह दुनिया में दे देते हैं, एक बगावत, दूसरी वालिदैन की नाफरमानी, और तीसरी अपने माल पे घमंड करके जुल्म करते हुए रिश्तेदारियों को तोड़ देना, इसकी सजा अल्लाह दुनिया में दे देते हैं। और कैसी सजा है, छठा नुकसान इसको क्या होता है, ला यक़बलुल्लाहु मिन्हुम यौमल क़ियामति सौफ़न वला अदला, ये फर्ज नमाजे भी पढ़े, नवाफिल भी पढ़े, कौन, तीन बदबख्त, आकुल वमन्नानुन वमुकद्दिबुन बिलकद्र, वालिदैन का नाफरमान, एहसान जतलाने वाला, तकदीर के जतलाने वाला, ना इसके फर्ज कबूल है ना इसके नफल कबूल है। सातवीं सजा, लअनल्लाहु मन अक्का वालिदैह, ये अल्लाह की रहमत से धुतकारा हुआ है, इस पे फटकार पड़ती है जो वालिदैन का नाफरमान होता है, जो अल्लाह की रहमत से दूर हो गया, बाकी क्या बचा उसका। एक आठवीं सजा भी उसके लिए है, ला यंदुरुल्लाह यौमल क़ियामा, अल्लाह सुजलाल ऐसे बदबख्तों की तरफ क़ियामत को देखेगा नहीं। अल्लाह के पैगंबर कौन से, अल आक़ल वालिदैह, वालिदैन का नाफरमान, والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال, है औरत लेकिन मर्दों की मुशाबहत करती है, मर्द बनना चाहती है, रब तआला नज़रे रहमत से उसको देखना भी पसंद नहीं करता। ودیوس, और ऐसा दयूस इंसान जिसके पास गैरत नहीं। दूसरी रिवायत में आता है इससे बड़ी सजा क्या है कि अगर ये तौबा करके नहीं मरता तो जन्नत इस पर हराम है। सलासतुन कद हर्रम अल्लाह अलैहिमुल जन्नत, तीन लोगों पे जन्नत हराम है, उनमें से पहला शख्स मुद्मिन खमर, शराब में धुत रहने वाला, वल आक वालिदैन का नाफरमान, वल दयूस अल्लज़ी युक़िर्रु फी अहलिही अल खबस, ऐसा इंसान जिसके घर में खबासत होती है और वो कहता है कोई बात नहीं, ऐसे इंसान अगर तौबा नहीं करता उस पर जन्नत भी हराम है। अल्लाह ज़ुल्जलाल नाफरमानी से बचाए, नौजवानों को सिराते मुस्तकीम नसीब फरमाए। कैसे इस मुसीबत से जान छुड़ाई जा सकती है, जिससे चाहते न चाहते ऐसे काम हो गए कि वालिदैन नाराज़ हो गए। अल्लाह के रसूल के पास आया था जिहाद की इजाज़त लेने, हैं कितना बड़ा अजीम काम है जिहाद, जिसको अल्लाह के रसूल ने ज़िर्वत सनामी ही कह दिया, ये इस्लाम की कुहान है, जिसको कह दिया ये जन्नत का दरवाज़ा है, अल जिहाद बाबुन मिन अबवाब अल जन्ना, ये जन्नत के दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा है। युज़हिबुल्लाहु बिल हम्मि वल गम, जिहाद करोगे गम और फिक्र दूर हो जाएंगे,
एक शख्स आया और आके कहता है जिहाद की इजाज़त लेना चाहता हूँ। फरमाया इरजे, लौट जाओ, अपने वालिदैन से इजाज़त लो। और दूसरी रिवायत में आता है जिस तरह वालिदैन को रुला के आए हो वापस जाओ, उनको उसी तरह हंसाओ। फसम मर जन्ना, अपनी माँ की खिदमत करना, जन्नत वहाँ। ये कोई मामूली बात नहीं है। आप अगर किसी मुसीबत में वक्त गुजार चुके हैं ना फरमानी में, तो आइए उसका तरीका ये है, अच्छा सोजू कीजिए, दुरबते अदा कीजिए, दिल लगा के रखते पढ़िए, कोई और ख्याल नहीं आना चाहिए। हाथ उठा के शर्मिंदगी का इजहार करते हुए, एतराफ करते हुए कि मुझसे ये कमी कुताही हुई, अल्लाह मैं इकरार करता हूँ, इनकार नहीं कर रहा, एतराफ कर रहा हूँ, शर्मिंदगी का इजहार करते हुए मेरे मालिक मुझे माफ कर दे, और उनके लिए आइंदा से नेकियों के सिलसिले शुरू कर दे, और उनके लिए हर रोज दुआ को मामूल बनाइए। अल्लाह जल जलाल कयामत के दिन जन्नत में तुम्हें जमा फरमाएगा। अल्लाह जल जलाल से दुआ है, मौलाए करीम जिनकी औलादें हैं उनको नेक बना दे, और जिनके वालिदैन हैं उनकी हिफाजत फरमा दे। इलाहा अलमीन, कयामत के दिन जिस तरह तेरे घर में आज जमा है अल्लाह, इनको इनके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में जमा फरमा, अपने महबूब की रिफाकत नसीब फरमा, और अपने दीदार का मुस्तहिक बना। वो आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।